राजारामपुरी महानगर पालिका के स्कूल क्रमांक 9 के ग्राउंड पर फिलहाल पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू है। इस मैदान पर पत्नी को फोर व्हीलर गाड़ी सिखाते हुए कार एक पाइपलाइन के लिए खोदे गए 8 फुट गड्ढे में जाकर गिर गई। इस दुर्घटना में सिखाने वाली महिला चालक घायल होने की खबर दी जा रही है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार पत्नी को चार चाकी गाड़ी सिखाने के लिए हुंडई कंपनी की ग्रैंड आइटन लेकर पति पत्नी को लेकर घर से बाहर आए। पाइपलाइन के लिए काम शुरू होते हुए पति ने पत्नी को गाड़ी चलाने के लिए और ड्राइवर की बाजू की सीट में जाकर बैठ गया। पत्नी ने गाड़ी को स्टार्ट मारा और एक्सीलेटर पर पैर दबाकर रखने की वजह से गाड़ी आगे जाकर 8 फुट बड़े गड्ढे में गिर गई। दुर्घटना के बाद पति ने पत्नी को सही सलामत कार से बाहर निकाला और उसे घर भेज दिया। घंटे भर बाद क्रेन की मदद से कार खड्डे से बाहर निकाली गई। स्कूल के मैदान में बच्चों के खेलने के लिए होती है और ऐसी जगह पर गाड़ी सिखाना कैसा है, यह सवाल परिसर के नागरिकों ने उठाया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को